दोस्तों, मैं हूं नसीर तगाले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज। आज की न्यूज में आपका स्वागत। आज हमारे देश में और सारे दुनिया में जो चल रहा है, हम वो टीवी पे देख रहे हैं, मालूमात भी ले रहे हैं, पेपर के जरिए से भी मालूम हो रहा है, लेकिन हमारी अवाम, हमारे दोस्त लोग, वो किसी भी जमात के हो, हमारे हुकूमत में जो बोला जा रहा है, हमारे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, हमारा पीएम बोल रहा है, उस पर ख्याल रखें और उससे ही हम लोग बर्ताव करें, हमारी दूरी बनाए रखें। और मैं खुद अभी बोल रहा हूँ कि मैं 5 महीने से बाहर गाँव नहीं गया, अब बिल्कुल अकेला रहता हूँ, खेत में रहता हूँ। सेहत अच्छी है, मेरी बहन 95 साल की है, बेहतरीन तरीके से अभी काम कर रही है। दूसरी बहन 90 साल की है, वो भी काम कर रही है, मजबूत है, खेत में रहती, ज़िरात में रहती है। मेरे भाई और दोस्तों, मुझे अपेक्षा है कि हमारे देश के लोग होशियार है और हम पेपर पढ़ते हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं, हमारे पीएम भी बोल रहा है, तो उस पर गौर करें हम कि दूरी बनाए रखें और परहेज रखें। खाने में हिसाब से खाए, ताज़ा खाए, अच्छा खाए, हिसाब से खाए, सेहत अच्छी रखे अपनी। और दूरी बनाए रखने में बहुत सा जोर दे रहे हैं, बहुत दिन से जोर दे रहे हैं, मगर नहीं सुन रहे हैं। मैं देख रहा हूँ तेलंगाना से लोग इधर आते हैं, विदर्भा से लोग आते हैं यहाँ, बहुत गलत बात है, ये बिल्कुल गलत है। जहाँ के वहाँ रहो, थोड़े दिन कारोबार बंद रखे तो क्या हो गया, अपनी मौत जो आ रही, मौत से तो डरो कम से कम, कि ये बनावट मौत आ रही है हमारी, नहीं मरने वाला भी आदमी मर जा रहा है, हमारा बड़ा दुख हो रहा है हमारे, तो इसलिए दूरी बनाए नहीं रख रहे, मुझे अफसोस है बहुत। मेरे भाई और दोस्तों से अपील है मेरी कि दूरी बनाए रखिए, हमारा हुकूमत बोल रही है, हमारे सब लोग बोल रहे तो भी सुनने को तैयार नहीं है, कमाल की बात है, ताज्जुब की बात है। हम बाजारों में गए तो भीड़ कर दे रहे, जहाँ गए वहाँ भीड़ कर दे रहे, खाने को अनाज है, सब है, पानी है, सब है, उसके बाद हमारी भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं हमको। दूर दूर बनाए रखे और मजबूत रहे, सेहतमंद रहे, हमारे बच्चों को अच्छा रखे। तालीम भी बंद है, पढ़ना बंद है तो घरों में पढ़ाए, अपन माँ बाप भी पढ़ा सकते हैं बच्चों को, और ट्यूशन भी लगा के पढ़ा के घर में बुला के पढ़ा सकते हैं किसी टीचर को। एक मन ला कप रखो, बंद रखो, सुबह हर खाने में गर्म खाना खाओ और थोड़ा खाना खाओ। ज़्यादा खाना खाए तो क्या थैले उठाना है क्या, आपको हमाल बनना है क्या, कोई पहलवान भी बनना नहीं है आपको, फिर क्यों ज़्यादा खाना खाते हो, कम खाने में गुजारो। रामदेव बाबा कैसा कम खाते, सेहतमंद है वो, उसी तरह से हम भी बर्ताव करें। मेरे भाई और दोस्तों, मेरी अपील है आजदन गुजारिश से आप सब लोगों से कि हमारे देश को मजबूत रखो। और ये जो हमारे कानों पे आ रहा है कि वहाँ से इंतकाल हुआ, वहाँ से ऐसा हुआ, वहाँ से वैसा हुआ, शादियों में ऐसा हुआ, शादियों में कहीं को 2 आदमियाँ 8 आदमियाँ कर लेते शादियाँ क्या, तो पहले वैसे ही होता था उस ज़माने में, 4-5 आदमी आके शादी कर लेते। शादी में जो 200 आदमी बना के परेशान क्यों हो रहे, कार ले आ रहे, जीवा ले आ रहे, पलटियाँ खा रहे, कार एक्सीडेंट में मर रहे हमारे लोग, नुकसान ही नुकसान है, देश का पूरा नुकसान है। और जहाँ के लोग वहाँ काम करें, मैं तो गवर्नमेंट से अपील करूँगा ये कि कोई भी आदमी अपने ज़िले से बाहर ना जाए, अगर जाना हो उसको फिरना घूमना है, देखना है मंदिर मस्जिद कहीं दरगाह देखना होगा तो परमिशन लेके जाए और परमिशन लेके वापस आए। आज तो बिल्कुल कहीं नहीं जाना, दरगाह भी नहीं, मंदिर भी नहीं, कहीं नहीं जाना, घर पर रहना, अपने हिसाब में अपने बच्चे बच्चों में अच्छे रहो, अपने बच्चे में तालीम दो, मजबूत रखो, सेहतमंद रखो, अपने जानवरों से मोहब्बत करो, जानवर दूध देंगे अच्छे, गाय के दूध है, भैंस का दूध है, घी है हमारा खाने के लिए, सब अच्छा है हमारे पास, लेकिन करने वाले बहुत कम है, खाली रोडों पर फिरना जानते, रोडों पर गाय को फिर रहे, मोटरसाइकिल जो भगा रहे जिधर से उधर पेट्रोल डाल के, बंद करो मोटरसाइकिल की कंपनियाँ, बंद करो। हमारे देश के लोगों से बोलना चाहता हूँ, मैं मंत्रियों से बोलना चाहता हूँ, मोटरसाइकिल एक भी नहीं होना, मैं इजराइल जाके आया वाला आदमी हूँ, इजराइल में देखा मैं, एक भी प्राइवेट मोटरसाइकिल नहीं है, सिर्फ पुलिस के पास मिलिट्री गाड़ी रहेंगी, बाकी लोगों के पास नहीं है। कार में घूमते 2 आदमी 4 आदमी के ऊपर बैठते नहीं कार में, कार का यूज़ करते बिल्कुल, मोटरसाइकिल का यूज़ करते नहीं, साइकिल का यूज़ करते, वहाँ साइकिल और कार है, मोटरसाइकिल नहीं है बिल्कुल। मोटरसाइकिल कारखाने बंद करो ना, कंपनियाँ बंद करो ना, क्यों, बड़े दोस्त आएंगे तुम्हारे, ये मंत्रियों के दोस्त दिखते मेरे को, पैसा देते क्या आएगा उनको, इसलिए इनके कंपनियां चल रहे, बंद करो इनके सब, ये खेल बंद करो अपना, कोई खेल चलेगा नहीं, नहीं तो ईश्वर खत्म करने वाला है हमको, हमारे आदित्य देख रहा है ईश्वर, ईश्वर का प्रकोप हमारे पे आएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हम जहाँ तक चाह रहे कि चीन से भी हमारी लड़ाई ना हो, चीन भी जहाँ का वहाँ रहना चाहिए, उन्हें भी मजबूती से हमको तकलीफ देना नहीं चाहिए, हमारी मिलिट्री मजबूत है, हमको सारी दुनिया साथ दे रही है आज,
आज लड़ाई हुई तो चीन को हम नस्तनाबूद कर देंगे, इतने लोग हमारे साथ है आज, हमारे मोदी साहब के साथ सारे दुनिया के लोग हैं आज, और मजबूती से साथ होगा तो हमारी ताकत बड़ी हो जाएंगी। लेकिन लड़ाई नहीं होना चाहिए, मैं इस मन का हूँ, इस तरीके का हूँ मैं, कि जंग नहीं होना चाहिए। अपने पास कितना भी आमनेशन हो, कितने भी लोग साथ दे रहे हो, जंग नहीं होना चाहिए। जंग में सब बुरा ही बुरा है, नुकसान ही नुकसान है। मैं अपील करता हूँ सब मेरे भाइयों दोस्तों से कि ये कोरोना का मुकाबला करने के लिए तैयार रहो अपन, और बिल्कुल परहेज रखो। परहेज में ही जीत है आपकी, दवाओं में जीत नहीं है। परहेज में जीत है, दवाखानों में जीत नहीं है हमारी, परहेज में जीत है। सेहत रखो, एक्सरसाइज करो, घर में रहो, खाना कम खाओ, गुटखा खाने में गलत काम करो मत, गांजा चल रहा, अफीम चल रहा, चरस चल रहा, गुटखा चल रहा, ये बिल्कुल बंद होना। दांतें खराब हो रहे, मुंह खराब हो रहा, सब खराब हो रहा, कैंसर हो रहे उससे, मत करो ये। आज भी मेरी बहन, मैं बताया ना 95 साल की, 90 साल की दो बहन है मेरे, मजबूत है, सेहतमंद है वो। मेरे भाई लोगों, मेरी भी उम्र 75 चल रही है आज, मजबूत हूँ, सेहतमंद हूँ मैं। मेरे भाई भी अच्छे, मैं भी अच्छा हूँ, सब अच्छा हूँ, सारी दुनिया भी अच्छी रहना मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ, दो अल्फाज पूरे करता हूँ। गुटखा खा के थूक रहे उधर, गंदगी कर, गुटखा खा रहे, थूक रहे, गंदगी गंदगी है। कहीं भी जाओ, लैट्रिन में जाओ, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, सब कोने खराब है, बैठना नहीं मालूम हो रहा हूँ। बंद करो ये, बेचने वाले भी बंद करना बेचना, ये पैसा मत कमाओ। बाकी धंधे बहुत है हमारे पास, दुनिया भर के बिजनेस है हमारे पास, हिंदुस्तान के उतने बिजनेस दुनिया में नहीं। बिजनेस करो, मजे में रहो आराम से, कई को परेशान होते सब लोग, परेशान मत हो जाओ। और तादाद को कम करो, दो बच्चे के ऊपर जाओ ही मत, कोई मजहब का आदमी हो, दो बच्चे के ऊपर जाना नहीं चाहिए, लड़कियां हो कि लड़के हो, दो के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैं इसे अपील करता हूँ।